जी पहले हम क्रशर कर रहे थे, क्योंकि क्रशिंग के दौरान मशीन की साउंड था, इसलिए मैं आपको वहाँ पे वर्बली नहीं बता सका। तो अब क्योंकि हम उसको क्रश करने के बाद पाउडर को मिक्स कर रहे हैं, ये हम अभी पेस्ट तैयार कर रहे हैं अपनी, जो कि हम प्लेटों पे यूज़ करते हैं। तो अभी ये मिक्सिंग हो रही है, पहले ये क्रशिंग हो रही थी, और मिक्सिंग के बाद हम इसको नेक्स्ट जो करेंगे वो करेंगे इसकी पेस्टिंग। ये वो पाउडर है जो हमने क्रश करके निकाला, ये हमारे पास मिक्सर है, मिक्सर में हम इसकी पेस्ट बनाते हैं, और फिर उसके बाद इस पेस्ट को हम प्लेटों पे पेस्ट करते हैं। जी पेस्ट बनाने के बाद हम इस तरह से उसको, जो हमारी ग्रिड है जिसे हम जाली बोलते हैं, जाली पे पेस्ट कर लेते हैं। और यूँ जाली पे पेस्ट करने के बाद हम उसको रोलर प्रेस में से पास करते हैं, और रोलर प्रेस से पास होने के बाद हमारी ये प्लेट जो है बिल्कुल तैयार हो जाती है। थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर लेते हैं, इसकी जो भी पेस्ट बाहर निकली है उसको हम सेट करते हैं, और फिर ये यूज़ के काबिल हो जाती है। अभी ये बिल्कुल एक रफ़ प्लेट बनी है, इसको अगर हम मज़ीद एहतियात से बनाएं तो एक बिल्कुल परफेक्ट प्लेट हम बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जी ये देखें, जैसे एक प्लेट है, इसको हम जब प्रॉपर पेस्टिंग करते हैं तो उसमें हमने ख्याल रखना होता है कि हम कितनी क्वांटिटी जो है पेस्ट की यूज़ कर रहे हैं, और फिर रोलर से हम उसे किस तरह पास करते हैं, तो प्लेट की जो फाइनल शेप है वो इस तरह की होती है। अभी ये प्लेट पेस्ट हो चुकी है, अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हम इसको ड्राई करेंगे। ये देखें जी, ये ड्राइंग सेक्शन है, जैसे जैसे प्लेट्स तैयार होती रहती हैं उसको हम ड्राइंग सेक्शन में फिर ड्राई करते हैं, और फिर ड्राई करने के बाद हम उसको सेल में बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जी अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है सेल अरेंजमेंट का। जैसे कि सेल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स, ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट्स हैं और ये जो हैं ये पॉजिटिव प्लेट्स हैं। इसमें एक चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि नेगेटिव प्लेट्स इज़ ऑलवेज़ वन मोर देन पॉजिटिव प्लेट, यानी अगर हमारे पास पॉजिटिव प्लेट 10 हैं तो नेगेटिव प्लेट्स हमारे पास 11 होंगी, इसी तरह अगर हमारे पास पॉजिटिव प्लेट्स 8 हैं तो नेगेटिव प्लेट्स हमारे पास 9 होंगी। तो अब हम करेंगे एक सेल की मुकम्मल कंपाइलेशन, के सेल किस तरह एक अरेंज होता है, उसमें हमारे पास नेगेटिव प्लेट्स हैं, पॉजिटिव प्लेट्स हैं, और ये हमारे पास सेपरेटर है। सेपरेटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सेपरेटर जो होता है हमारे पास वो हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव जो प्लेट्स हैं इनके दरमियान में हम इसको सेपरेटर को प्लेस करते हैं। सेपरेटर में हमने ख्याल रखना होता है कि एक पोरस मटीरियल होता है, ये जो मटीरियल होता है ये पोरस होता है, ये किसी भी लिक्विड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, और उसके साथ इसका जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये प्लेट्स के दरमियान रखने से प्लेट्स को शॉर्ट नहीं होने देता, यानी अगर सेपरेटर प्लेट्स के बीच में नहीं होता तो प्लेट्स आपस में कनेक्ट होकर एक शॉर्ट सर्किट में उसको कन्वर्ट कर सकती थी, लेकिन सेपरेटर जो होता है उसको अवॉइड करता है, उससे रोकता है। तो अभी हम इसको अरेंज करेंगे सेपरेटर को सेल्स के प्लेट्स के दरमियान, और वो आप देखिएगा ये हमारी होगी अरेंजमेंट, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। अब हम ये रखेंगे कि नेगेटिव प्लेट जो होगी ये बाहर की साइड पे होगी, पॉजिटिव प्लेट अंदर की साइड पे होगी, ठीक है, और एक नेगेटिव उसके साथ एक पॉजिटिव मिक्स होगी, फिर एक नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, इस तरह हम पूरे अभी प्लेट्स को आपस में अरेंज करेंगे। जी प्लेट्स अरेंज हो गई हैं, अब ये पूरा एक सेल है क्योंकि इसमें इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेट्स। अब हम इसके बीच में सेपरेटर को रखेंगे, ठीक है,
तरह मुकम्मल फर्स्ट सेल से लेके लास्ट तक जो है हम सेपरेटर को बीच में प्लेस करते रहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी नेगेटिव प्लेट है, उसके बाद सेपरेटर है, उसके बाद हमारी सेंटर में उसकी पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, फिर हमारे पास सेपरेटर है, फिर नेगेटिव प्लेट, देन पॉजिटिव प्लेट। तो हर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान हम एक सेपरेटर फिट करते हैं। इस वक्त एक मुकम्मल सेल तैयार हो चुका है, ठीक है। अभी इसमें अगर आप देखें तो एक ये जो कॉर्नर पे भी नेगेटिव प्लेट है और दूसरे कॉर्नर पे भी नेगेटिव प्लेट है और उसके दरमियान में सेपरेटर है। नेगेटिव प्लेट को हम इसलिए कॉर्नर्स पे रखते हैं क्योंकि जो हमारी पॉजिटिव प्लेट्स हैं उसने मेन चार्ज स्टोरेज का काम करना होता है, तो पॉजिटिव प्लेट को हम प्रोटेक्टेड रखते हैं ताकि उसकी डिटेरियोरेशन ना हो। डिटेरियोरेशन यानी कि वो झड़ना शुरू ना हो जाए और जो आपका सेल है उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा रहे, ठीक है। और बीच में सेपरेटर जो होता है, सेपरेटर के मल्टीपल काम होते हैं। एक तो ये आपकी प्लेट्स को आपस में कनेक्ट नहीं होने देता, उनके दरमियान एक गैप रखता है, एक डिस्टेंस रखता है जिससे आपका शॉर्ट सर्किट नहीं होता। उसके अलावा सेपरेटर जो है ये पोरस मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रोलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, और उसके साथ साथ आपके जो आयन ट्रांसफ़र हैं, जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, उसको ट्रांसफ़र होने में सपोर्ट करता है। अब ये सेल तैयार है, अब हम इसको बॉक्स के अंदर प्लेस करेंगे। पूरा आपका बैटरी का बॉक्स है जिसके अंदर 6 सेल्स होते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो इसके अंदर 6 सेक्शंस हैं, ये एक पूरा आपकी बैटरी है, हर सेक्शन के अंदर एक सेल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं। हम नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स को कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ लिंक, ठीक है। और ये जो टर्मिनल जब कनेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आप इसकी बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे और फिर इसको चार्ज करेंगे, जिसके बाद ये एक यूज़ के काबिल हो जाएगी।